शनिवार शाम को दो दिन पूर्व अपने भाई के साथ घर से तबियत खराब होने पर अस्पताल दिखाने की कहकर घर से निकले युवक सदर थाना क्षेत्र की पूनम कॉलोनी स्थित भैरूजी के मंदिर के समीप एक पानी के गड्ढे में शव मिला। शव मिलने की जानकारी आसपास के लोगों ने सदर थाना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को गड्ढे से बाहर निकालकर शव को कब्जे में लेकर AKH की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने मृतक की शिनाख्त देवली कला खुर्द थाना चंद्रा निवासी धर्म सिंह के रूप में हुई है। रविवार को पुलिस ने परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर पंचनामा बनाने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव अंतिम संस्कार हेतु परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक देवली कला खुर्द रेलड़ा थाना चंद्रा निवासी धर्म सिंह 29 सितम्बर को अपने परिजनों को अपना इलाज कराने के लिए अस्पताल जाने की बात कहकर अपने छोटे भाई के साथ ब्यावर के लिए रवाना हुआ। इस दौरान जब दोनों भाई पुनम बिहार कॉलोनी से गुजर रहे थे तब धर्म सिंह ने अपने छोटे भाई को शौच जाने की बात कही और पुलिया के समीप शौच के लिए चला गया। जब काफी देर तक धर्म सिंह वापस नहीं लौटा तो उसके छोटे भाई ने आसपास में उसकी तलाश की, लेकिन धर्म सिंह का कोई सुराग नहीं मिला, जिसके बाद उसने अपने भाई रणजीत सिंह को घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी के बाद ब्यावर पहुंचे रणजीत सिंह तथा उसके छोटे भाई ने भी काफी धर्म सिंह को तलाश किया, लेकिन उन्हें भी धर्म सिंह का पता नहीं लग पाया। जिसके बाद शनिवार देर शाम को रणजीत सिंह को सूचना मिली कि पूनम बिहार कॉलोनी स्थित भैरूजी के मंदिर के समीप बने पानी के गड्ढे में किसी व्यक्ति का शव दिखाई दे रहा है। जिसके बाद रणजीत सिंह अपने परिजनों के साथ ब्यावर पहुंचा, जिसके बाद शव की पहचान उसने अपने भाई धर्म सिंह के रूप में की, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। रविवार को सदर थाने के हेड कांस्टेबल सुखराम ने AKH की मोर्चरी पहुंचकर परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव अंतिम संस्कार हेतु परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुनबिहार कॉलोनी में पानी में पड़ा हुआ मिलने की इत्तला मिली, जिस पर मौके पर गए तो एक व्यक्ति जो है वो डेड बॉडी मिली, वो पूरी फुली हुई थी। वहां पर जो मृतक था उसका भाई रणजीत सिंह उपस्थित मिला, जिसने बताया कि 29 तारीख को ये जो है मृतक मेरा भाई धर्म सिंह है, जो 29 तारीख को घर से आया था। इसके साथ मेरा छोटा भाई भी आया था, डॉक्टर को दिखाने के लिए आए थे, जो फ्रेश होने की कहकर के यहाँ पुड़िया के पास से गया था और उसके बाद में वो हमें मिला नहीं। और आज हमें फिर सूचना मिली कि कोई बॉडी है, तो ये हम यहाँ आए थे, मृत अवस्था में मिला है।